हैं श्रीनगर। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रश है, मतलब बहुत सारे लोग कश्मीर घूमने आए हैं। मैं इस समय श्रीनगर में हूँ और वर्मा जी ने सारी प्लानिंग सब कुछ कर रखा था। मुझे नहीं आइडिया था कि उन्होंने ये प्लानिंग मेरे लिए किया है। वैसे हम लोग कुछ और प्लान कर रहे थे बट वो बीच में कैंसिल हो गया, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। वो क्या था, कैसा था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इन्होंने मुझे एकदम से सरप्राइज़ दिया और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो एटलीस्ट हमारा प्लान बाहर का बन गया और इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर और चलिए चलते हैं कि आ गए हैं। आपको पता चल गया होगा कहाँ पे, श्रीनगर। और वो हमारे ड्राइवर और गाइड आमिर यहाँ पे हैं एंड ये है हमारी कार जिसमें हमने जाना है। तो आपने देखा इन्होंने मतलब कार बुक कर दिया था, होटल बुक कर दिया था, एवरीथिंग मतलब सब कुछ बुक था और हम मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो हम लोग कश्मीर यहाँ जैसे ही श्रीनगर पहुँचे हैं हमारी कार आ गई है और हम लोग बैठ करके अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर बुलबुल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको मैं पूरी कश्मीर सीरीज़ दिखाने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग साथ में घर बैठे आप लोग। तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इंडियन ब्लॉगर बुलबुल को। तो गाइज़ अभी लंच का टाइम हो गया था और होटल में बुफे टाइम था लंच का। तो हम लोग सबसे पहले अपना बैग रख करके नीचे आ गए थे और सबसे पहले हम लोगों ने लंच कर लिया, राजमा चावल, साथ में मैंने वेज बिरयानी लिया था। सो बहुत ही टेस्टी यम्मी राजमा चावल था। तो भाई आज से शुरू होता है कश्मीर का डे वन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो बुलबुल अभी तैयार हो रही है, शी इज़ इन द रूम एंड तो चलिए चलते हैं। अभी सबसे पहले किसी गार्डन में चलेंगे, यहाँ पे कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं। सो नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है, सो लेट्स मूव। तो गाइस जैसा कि वर्मा जी ने आपको बता दिया है हमारा डे वन स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डे वन को आपके साथ। सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हम जा रहे हैं किसी गार्डन में, जो यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन, निशाद गार्डन। अच्छा अच्छा, घूमेंगे घूमेंगे। देखो सामने आपको माउंटेन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे देखो ये रुई के पेड़ हैं सारे। ये नहीं? हाँ। अच्छा, ये लग गया ना वो पेड़ है ना वो। हाँ हाँ, बैड बनते हैं विल्लो। ये विल्लो है? विल्लो, हाँ कपूर, बैड बनते हैं बैड। ओके। सो गाइज़ हम लोग होटल से निकल चुके हैं निशाद गार्डन जाने के लिए, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। और ये जो ड्राइवर भैया हैं ये अगले 4-5 दिन हमारे साथ ही रहने वाले हैं और इनके साथ हमारा सफ़र कैसा रहता है वो आगे आपको ब्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। डल लेक का बहुत सुंदर।
स्पॉट्स भी हो रहे हैं और ये शिकारास खड़े हुए हैं एंड टुलिप गार्डन एंड चश्मा शाही के लिए ये रास्ता है। फोर्सेस तो एकदम गजब की हैं। चश्मा शाही के रास्ते में इतनी फोर्स लगी हुई है। तो अभी तक का वीडियो देख करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना कि अगर जन्नत का दूसरा नाम है तो वो कश्मीर ही है। तो ये जन्नत के छोटे से टुकड़े को मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश मेरी है। तो वो कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये कश्मीर का नज़ारा घर बैठे सभी लोग अपने फ़ोन पर देख सकें। तो लीजिए, बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं निशात गार्डन। तो हम लोग पहुंच गए हैं निशात गार्डन। हाँ, सबसे पहले हम लोग निशात गार्डन आए। यहाँ पे ये काउंटर टिकट यहाँ पे मिलेगा, टिकट उधर मिलेगी। तो यहाँ पे एडल्ट का 24 रुपीज का टिकट है एंड चाइल्ड का 12 रुपीज का। हर वर्मा जी यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। कुछ याद आया? वहाँ वो लड़की बैठी थी और फोटो खिंचा रही थी जिसकी आप फोटो जूम इन जूम आउट करके खींच रहे थे। तो गाइज़ ये देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे निशात गार्डन है। चारों तरफ हरियाली है, साथ में यहाँ पे झरने भी हैं। और मैं यहाँ पे हम्पी वर्मा जी से बात कर रही थी क्योंकि लास्ट टाइम शादी के तुरंत बाद हम लोग जो घूमने आए थे हनीमून पे, तो हम कश्मीर ही आए थे। ठीक 11 साल बाद हम फिर से यहाँ पे आए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का मौसम है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कश्मीर वीडियोज़ पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे 11 साल पहले भी आए थे और इसी महीने में, तो मई महीने में, तो अभी पूरा दोबारा से देख के हमारे साथ। वाह क्या सीन है। और इस बार पीहू भी है हमारे साथ। हाँ करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही उतनी ही खूबसूरत रहती है। ये देखिए और बहुत सारे यहाँ पे उधर की तरफ फवारे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और फ्लावर्स की तो भाई भरमार है, मतलब पूछो ही मत। तो बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, एकदम ठंडा पानी है। डल लेक है यहाँ, ये देखिए इस गार्डन के ठीक सामने। यहाँ पे वर्मा जी आ रहे हैं, अभी ये मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे पीहू का फ़ोटो क्लिक हो रहा है। बहुत सुंदर गार्डन है, काफ़ी बढ़िया है, बट गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था हवा ठंडी होगी तो मैंने फुल टॉप पहन लिया था। सो यही है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्या? हाँ पोर्ट्रेट में लीजिए। चलो अब दूसरे उस पे चले, दूसरे पार्क में। तो यहाँ आसपास बहुत सारे गार्डन हैं, जैसे शालीमार गार्डन, चश्मेशाही गार्डन, टुलिप गार्डन। तो मैं वर्मा जी को बोल रही थी चलो हम लोग चलते हैं, बट यहाँ पे हमें इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग फिर यहीं रुक गए। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने सारे गार्डन कवर किए थे, टुलिप गार्डन हो गया, शालीमार गार्डन हो गया। सो इस बार हम लोग यहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये देखिए कितना खुला आसमान है, खुली हवा है, बहुत ही फ्रेश हवा है। तो ये है इस गार्डन का लास्ट स्टेज, आखिरी है, इसके बाद मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ नहीं आए तो ये है निशात गार्ड का लास्ट पॉइंट, व्यू पॉइंट। और वो पीछे डल लेक है बुलबुल के, और ये पूरे गार्डन हैं, फाउंटेन्स हैं। और देखो बुलबुल के सामने का व्यू है कुछ ऐसा।
बुलबुल इज मूविंग अहेड। और ये देखिए यहाँ पे जो है गार्डन वो कुछ अलग ही अंदाज में चलता हुआ। एंड जैसा कि आपने देखा है मैंने यहाँ पे फुल वुलन को टॉप पहना है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठंड ज़्यादा होगी और दोनों लोग ने जैकेट अपनी रख ली थी पीहू ने और उनके डैडी ने। बट इस बार का वेदर जो है पहले से बहुत ज़्यादा चेंज है। लास्ट टाइम तो हम लोग 17th में आए थे 17th मई में, बट इस बार हम लोग आ गए थे 11th मई को कश्मीर घूमने के लिए, जिसमें कि यहाँ पे ठंडक अभी तक तो बिल्कुल ठंडा नहीं लगा है। आगे का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। आगे क्या क्या हमने किया, कैसे कैसे किया, वो सारी बात आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगी। हम कौन से नेक्स्ट पॉइंट पे जाने वाले हैं, सो कल वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर होने वाला है। चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड व्लॉग लाइक नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। बाय।